तो नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। तो विद्यार्थियों, आज अभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि अभी पेपर लिखना शुरू न करें, अभी थोड़ी देर में यहाँ से सवालों के सही जवाब दिए जाएंगे। इस साल अंग्रेजी के पेपर में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया है। आज के इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2022 केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का सेट ए पेपर का, है ना। देखिए, मेरे पास सेट ए का 110% रियल पेपर यहाँ पर आ चुका है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जी हाँ विद्यार्थियों, इससे पहले मैंने आपको सेट ई प्रोवाइड करा था, अब मेरे पास जो यहाँ पर सेट ए का पेपर आ चुका है। अब विद्यार्थियों, आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा तो कोई दूसरा सेट है तो हम इससे क्यों पढ़े, तो इसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। रुको जरा, सबर करो। देखिए विद्यार्थियों, होता क्या है, एमपी बोर्ड जो है आपके केमिस्ट्री के पेपर में जो है उसने दो मेन सेट बनाया है। दो मेन सेट कौन कौन से हैं, सेट ई और सेट ए, दोनों में जो है उन्होंने अलग अलग क्वेश्चन रखा है। लेकिन इन्हीं दो मेन सेट से जो है आपके सभी सेट जो है, जो बाकी जो सेट है, चार जो सेट है आपके, इन्हीं सेटों से बनने वाले हैं, दो सेटों से। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको जो है सेट ई के सॉल्यूशन की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप जाकर देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल विद्यार्थियों दोनों सेट को तैयार कर लेना है, अथवा सहित आपको तैयार कर लेना है। क्योंकि विद्यार्थियों, होगा क्या, सभी सेट के प्रश्न तो इससे बनेंगे, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चेंज होंगे और साथ ही में आपको जो है क्वेश्चन का क्रम अदला बदली हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो है सेम रहेंगे, और अथवा या फिर मेन में से आपका जो है एक क्वेश्चन चेंज होगा। तो यदि आप अथवा सहित एक एक प्रश्न को तैयार कर लेते हो दोनों सेटों के, तो विद्यार्थियों गारंटी दे सकता हूं विद्यार्थियों, आपका यदि एक क्वेश्चन भी चेंज होता है तो विद्यार्थियों आप एक ना एक को आप हल कर दोगे और आप पूरे में से पूरे नंबर लेकर आ जाओगे उस क्वेश्चन में से। तो विद्यार्थियों, आपको सभी प्रश्न को रट लेना है, रात भर में रट लो और भोकाल आपको मचा देना है। तो विद्यार्थियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं 19 क्वेश्चन है, 3 घंटे मिलेंगे हल करने के लिए, 11 पेज है, 70 नंबर का पेपर है। सारे निर्देश आप पढ़ सकते हैं विद्यार्थियों, अर्जेंट में आप सभी के लिए वीडियो ला रहा हूँ। रात तो अभी मुझे जस्ट 1 घंटा पहले ये पेपर मिला है, सॉल्यूशन बना के ला लिया मैंने आप सभी के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी कोडिंग आपको दी गई है, सारे बारकोड आपको दिए गए, जिससे यहाँ पर इसके रियल पेपर की पुष्टि हो जाती है, है ना। अब देखिए मैं आपको दिखा, अब देखिए विद्यार्थियों मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर इसके अगले पेज। तो देखिए विद्यार्थियों, अब आप सोच रहे होंगे विद्यार्थियों की जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ गए। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूँ, आज का जो पेपर है इसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा थी, है ना। तो विद्यार्थियों, इसका जो रेट था पेपर का बहुत ज़्यादा हाई था, मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रिश्वत देनी पड़ी है, ठीक है। लेकिन कुछ पैसे मुझे कम पड़ रहे थे, लेकिन वो जो बंदा था वो मान नहीं रहा था, पूरा पेपर देने में मान नहीं रहा था, इसलिए उसने मुझे जो है सिर्फ आपका जो है प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 19 तक के प्रश्न आपको दे दिया है, पेपर मुझे दिया है, बाकी के जो ऑब्जेक्टिव वाले जो पेज थे उसने फाड़ के अलग कर दिया है, मुझे देखने तक नहीं दिया है। तो विद्यार्थियों, जितना अभी अवेलेबल हुआ है आप उसको तैयार कर लीजिए, यही गारंटी देता हूँ विद्यार्थियों, अद्वैत सहित आपको तैयार कर लेना है, बिल्कुल इसी में से आपके क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले रियल पेपर आपको लर्न क्लब पीसीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर जाते हैं, तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए वीडियो को हम बिना किसी बकवास के साथ शुरू कर लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न 5 आपको दिया है, सीमांत अभिकारक क्या है। तो मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके लिए उत्तर तैयार करके लाया हूँ, मेरे पास 1 घंटे पहले पेपर आ गया था, लेकिन मैंने सोचा चलो यार थोड़ा इनके लिए उत्तर तैयार कर दे, भला ही थोड़ा लेट भी डाले लेकिन इनके जो है यहाँ पर उम्मीद पर खरा उतरना पड़ेगा। तो देखिए विद्यार्थियों, ये रहा विद्यार्थियों आपका जो है सीमांत अभिकारक वाला का उत्तर, ठीक है। पूरा उत्तर विद्यार्थियों मैं आपको देने वाला हूँ। तो देखिए विद्यार्थियों, सीमांत अभिकारक क्या है, पूरा उत्तर आप यहां से लेकर यहां तक लिख लेंगे, अथवा सहित एक एक प्रश्न को रट लेना है। इसके अलावा आपको एक भी प्रश्न रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक भी प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है। इसका अथवा वाला क्वेश्चन विद्यार्थियों, स्टॉक बुलियन क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये रहा इसका पूरा उत्तर, पूरा उत्तर आप यहां से लेकर यहां तक पूरा रट लेना है आपको, ठीक है। एक एक प्रश्न विद्यार्थियों मैं आपको दिखा रहा हूँ, रातों रात रटना इन्हें चालू कर दीजिए। प्रश्न 6 में दिया है, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये रहा विद्यार्थियों प्रश्न 6 का उत्तर, पूरा उत्तर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल रट लेना है आप सभी को।
है ना विद्यार्थियों। अब यहाँ पर देखते हैं हम इसका अध वाला क्वेश्चन आपको दिया है, एन की आनन की एंथैल्पी ओ से ज्यादा होती है क्यों? तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं, कहाँ गया इसका उत्तर, कहाँ है भाई? तो इसका विद्यार्थी उत्तर छूट चुका है, आप इसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना आपसे हो सके उतना आप रट लीजिए। सातवां क्वेश्चन आपको दिया है, यद्यपि बीई एच आवंध ध्रुवीय है तथा पी बीई एच अणु का द्विध्रुव आगुण शून्य है, स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा विद्यार्थी आपका सातवां, है ना, कौन सा था यार ये वाला, ये रहा विद्यार्थी इसका उत्तर पूरा आप देख सकते हैं, मेरी पूरी टीम बनाकर दे रही है, पूरी टीम के साथ में काम कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा उत्तर आप देख सकते हैं। तो आपको फटाफट यहाँ पर बिल्कुल रट लेना है विद्यार्थियों। अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन आपको दिया है, BeF2 तथा OF2 दोनों द्वि परमाणवी अणु होने के बाद भी उनकी आकृति अलग है क्यों? तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों, ये रहा इसका पूरा आंसर, आप यहाँ पर पूरा रट लेंगे, आपको पूरा आंसर यहाँ पर रट लेना है, एक भी प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब इसका यहाँ पर आठवां वाला क्वेश्चन आपको दिया है, वांडर वाल्स प्राचल की भौतिक सार्थकता को समझाइए, ठीक है। तो ये रहा विद्यार्थी पूरा इसका यहाँ पर आंसर, ये देख सकते हैं विद्यार्थियों, ये पूरा आंसर मैं आप सभी के लिए लिख कर ला लिया हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से, पूरा उत्तर विद्यार्थियों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कहीं भी अब आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो विद्यार्थियों, इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसका अधवा वाला क्वेश्चन विद्यार्थियों आपको दिया गया है, गीली व शुष्क हवा में कौन भारी होगी, ठीक है। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं, यह रहा विद्यार्थियों आपका आठवें का उत्तर, पूरा देख लीजिए विद्यार्थियों, पूरा उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल फटाफट इन्हें रट लीजिए, ठीक है, बहुत ही कम समय है, यही रात अंतिम है, यही रात भारी है। अब देखिए नौवां क्वेश्चन आपको दिया है, विलयता गुणनफल क्या है? तो ये देख लीजिए विद्यार्थी, ये रहा इसका पूरा उत्तर आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है, विलयता गुणनफल, तो पूरा उत्तर विद्यार्थियों आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा रट लीजिए विद्यार्थियों, एक एक प्रश्न को रट लेना है, गारंटी दे सकता हूँ विद्यार्थियों इन्हीं दो सेट में से आपको जो है प्रश्न बनने वाले है। इसका अधवा वाला क्वेश्चन आपको दिया है, जलापघटन की कोटि या फिर मात्रा क्या है समझाइए? तो ये रहा विद्यार्थियों आपका नौवे का उत्तर, है ना, नौवे का अधवे का उत्तर, जल अपघटन की कोटि या फिर मात्रा, तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों पूरा आप इन्हें रट लेना है आप सभी को, ठीक है, पूरा विद्यार्थियों आप रट लीजिए यहाँ पर। अब इसका दसवें क्वेश्चन हमें दिया है, ज्वाला को बेरिलियम एवं मैग्नीशियम कोई रंग नहीं प्रदान करते हैं जबकि अन्य क्षारी मृद धातु ऐसा करती है क्यों? तो आइए इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये रहा विद्यार्थियों इसका यहाँ पर आंसर, ठीक है, प्रश्न दसवें का पूरा उत्तर आप यहां पर देख लेंगे और यहां से रट लेंगे, रटना चालू कर दीजिए, पूरा फटाफट इन्हें रटना चालू कर दीजिए, यही रात अंतिम है, यही रात भारी है। इसका अधवा वाला क्वेश्चन है, सोडियम की आग बुझाने हेतु प्रयोगशाला में जल का उपयोग नहीं करना चाहिए क्यों? तो इसका उत्तर यहां पर ये दिया गया है विद्यार्थियों आपको, इसका अधवा का उत्तर, तो पूरा उत्तर आप यहाँ पर देख कर लिख देंगे, है ना, पूरा आपको रट लेना है, ठीक है। अब इसका ग्यारहवें क्वेश्चन हमें दिया है, आवंधहीन अनुनाद क्या है? तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं, तो ये रहा विद्यार्थियों इसका पूरा उत्तर यहाँ पर, है ना, हेडिंग डालेंगे और पूरा विद्यार्थियों आपको रट लेना है यहाँ पर, ठीक है, जय महाकाल का नाम लेकर आप इन्हें रटना चालू कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों आपको इसका अथवा क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित यौगिक के संरचनात्मक सूत्र लिखिए, तो पहला आपको दिया है बेंजल्डिहाइड, दूसरा है एसीटोन, तीसरा है इथाइल एसीटेट, चौथा है एसीटेमाइड, तो ये रहा विद्यार्थी ये इसका उत्तर यहाँ पर, ये पूरा आपका रहा, ठीक है, पूरा रट लेना है आपको, ठीक है। चलिए इसका हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न वारवा, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम प्रश्न वारवा आपको दिया है विद्यार्थी, ये रहा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3 में कौन सा यौगिक अधिक स्थाई है समझाइए? तो ये रहा विद्यार्थियों ये प्रश्न बारहवें का आंसर, ठीक है, तो ये रहा विद्यार्थियों आपको इसका पूरा उत्तर। तो देखिए विद्यार्थियों अभी तक तो हमने थोड़ा समय की कमी थी इसलिए हमने इतने ही उत्तर तय कराए, अब आने वाले वीडियो में विद्यार्थियों अगर कोई प्रश्न 13 से लेकर 19 तक फुल सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए, लाइक टारगेट रखते हैं इस वीडियो पर 500 लाइक्स का, फटाफट करवाइए, है ना, उससे पहले आपका वीडियो मिल जाएगा आपको रात को। तो मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।